गिरिडीह सदर अस्पताल के मातृ शिशु स्वास्थ्य इकाई में नर्स और महिला डॉक्टर की लापरवाही एक बार फिर से सामने आई है। बता दें कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मातृ शिशु स्वास्थ्य इकाई में 30 वर्षीय प्रसूता चंचला देवी की मौत इलाज के दौरान हो गई। देर रात हुए मौत के बाद परिजनों ने स्वास्थ्य केंद्र के बाहर जमकर बवाल काटा। हालांकि नवजात की हालत बेहतर बताई जा रही है। वहीं परिजनों के हंगामे के डर से सहिया चिंता देवी समेत रात की ड्यूटी में तैनात नर्स और डॉक्टर मेधा महर्षि ड्यूटी छोड़कर भाग खड़े हुए। तीनों स्वास्थ्य कर्मियों को वहां से निकलते देख परिजनों का गुस्सा और भड़क गया। वहीं परिजनों ने दावा किया कि चंचला देवी की मौत पहले ही हो गई थी, लेकिन मामले को दबाने के लिए डॉक्टर और नर्स ने जानबूझकर चंचला देवी को धनबाद रेफर कर दिया था। लोगों के कमी बतावे नहीं किया है, अब भर्ती किया, ऑपरेशन कर दिया, बोले कि बाहर कीजिए, तो बोला नहीं वार्ड सदस्य पैसा दीजिएगा, तब सब वार्ड सदस्य कहाँ था उसको खोज के लाए, फिर वो पैसा लिए, तब वो निकाला एक डेढ़ घंटा ऑपरेशन के बाद। वहीं परिजनों द्वारा चैताडी मातृ शिशु स्वास्थ्य केंद्र में हुए हंगामे की जानकारी मिलने के बाद पचम्बा थाना पुलिस और पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा मौके पर पहुंचे, जहां पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा ने शिशु स्वास्थ्य केंद्र में लगातार बढ़ती लापरवाही को दूर करने की मांग की है। ये डॉक्टरों का लापरवाह होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी एक बहन का आज निधन हुआ है, उसी के डॉक्टरों की लापरवाही से, सही इलाज नहीं करने से। और अगर सरकार का तंत्र इस प्रकार से गरीबों के जीवन से खिलवाड़ करेगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यूज विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट। धनबाद के बाद अब गिरिडीह के बरगंडा में खुल गया है आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ डिजिटल मेमोग्राफी, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, डीआर, यूरोफ्लोमेट्री, पैथोलॉजी, ईसीजी, टीएमटी, ईईजी, पीएफटी, एनसीबी आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियंस के द्वारा सभी प्रकार की जाँच की जाती है। आपातकालीन सेवा सिटी स्कैन 64 स्लाइस की सुविधा रात में भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में होटल गैली के पास, कोर्ट रोड, बरगंडा, गिरिडीह।